यहाँ पर बच्चों को फैमिली या बेबी मैनेजमेंट कंपनी के लिए चुना जा रहा है, जिसमें से इस मासूम से दिखने वाले शरारती और नटखट बच्चे को भी भेजा जाएगा। इसकी हरकतें बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है, इसलिए इस बेबी को मैनेजमेंट कंपनी के लिए चुन लिया और अब इसे सूट और टाई पहनाकर जासूसी करने टैक्सी से भेजते हैं। पर टिम इसे पहले ही देख लेता है और ये बच्चा घर में आते ही जोर जोर से रोने लगता है, तो टिम को भी शक होने लगता है क्योंकि वो बेबी होने की एक्टिंग कर रहा है। जानबूझकर पूरे घर वालों को बात बात पर परेशान करने लगा। इससे टिम भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके माँ बाप भी दौड़ते दौड़ते थक गए थे। अब उस लड़के को घर में खेलने और दूसरे कामों में दिक्कत होने लगी। टिम बेबी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, तो बेबी को उस लड़के पर गुस्सा आ गया और जिसके बाद दोनों में जबरदस्त झगड़ा होने लगा। वो लड़का अपने माँ बाप को बोलता है कि ये बेबी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। लड़का बेबी को बोलता है मेरी नजर तुम पर है, और एक रात को टिम को नींद नहीं आती तो वो बाहर आके देखता है कि बेबी किसी से बात कर रहा है, तो वो उसकी जासूसी करने के लिए उसके रूम की तरफ जाने लगता है और बेबी को किसी से बात करते देख लेता है। और टिम को देखते ही वो बच्चा बेबी होने की एक्टिंग करने लगता है क्योंकि अब उसका भांडा फूट चुका था और टिम से कहता है मैं एक बॉस हूं और यहां पर एक मिशन पर आया हूं, और टिम के मुंह पर पैसे फेंक कर चला जाता है। अगले पार्ट के लिए लाइक करें, हम समझ जाएंगे।